हेलो स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज की क्लास में हम बीएससी फाइनल ईयर मैथमेटिक्स के पेपर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को कंटिन्यू करते हुए बात करेंगे एनालिटिक फंक्शन कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड हार्मोनिक फंक्शन एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन। तो देखिए, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी विश्लेषिक फलन अर्थात एनालिटिक फंक्शन को लेकर, जिसमें अपन ने कहा था कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होता है, यदि वो किसी भी रेंज के अंतर्गत कोशी रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करे तब वो फलन एनालिटिक फंक्शन कहलाता था। अब अपन देखेंगे कि कोई भी फलन हार्मोनिक कब होगा। तो देखिए, अपन बात करते हैं, जनरली आपके पास में अ रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ it satisfies आपके पास में लाप्लास इक्वेशन। अब देखिए, लाप्लास इक्वेशन क्या होती है, यदि मान लीजिए कोई भी फंक्शन आपके पास में f है तो कर्ली आवर स्क्वायर f अपॉन कर्ली स्क्वायर आपके पास में x इंटू डेल टू f अपॉन जो डेल y स्क्वायर है, इसका मान यदि जीरो आता है तो ये लाप्लास समीकरण कहलाता है। तो आपके पास में कोई भी रियल वैल्यू कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो आपके पास में हार्मोनिक कहलाएगा यदि वो लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई करता है। अब देखिए, अपन कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंतर्गत बात करते हैं यदि, तो क्या आता है, अपन देखते हैं कि जो f ऑफ z होता है वो u ऑफ x कॉमा y प्लस आयोटा ऑफ v ऑफ x कॉमा y होता है। ठीक बात, इसके अंतर्गत u और v कब हार्मोनिक होंगे, तो देखिए आपके पास में यदि अपन बात करें तो किसी प्रांत या रीजन b में वास्तविक भाग फलन अर्थात u की यदि अपन बात करें वास्तविक भाग फलन अर्थात अपन कह सकते हैं कि जो आपके पास में u ऑफ x कॉमा y है वो हार्मोनिक या पंचवादी कहलाता है, यदि वह m, वह मतलब आपके पास में u खुद एवं उनके प्रथम दो कोटियों के पार्शियल डेरिवेटिव अर्थात आंशिक अवकलज विद्यमान एवं कंटिन्यूअस हो तथा यदि वो एम उनके प्रथम दो कोटियों के आंशिक अवकलज संतत हो तथा सेक्टर के प्रत्येक बिंदु पर लाप्लास समीकरण आपके पास में, अपन बात करें वास्तविक भाग फलन अर्थात डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो संतुष्ट हो। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार काल्पनिक भाग जो आपके पास में होता है बी, वो भी आपके पास में कब कहलाएगा, जब उनका खुद का और प्रथम दो कोटियों के अर्थात डेल वी अपॉन डेल एक्स और डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, उनके दोनों कोटियों के आंशिक अवकलज एक तो एडजस्ट करने चाहिए और कंटिन्यूअस हो तथा साथ में यदि लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई करते हैं तो वो भाग आपके पास में
हार्मोनिक फंक्शन कहलाते हैं। अर्थात अपन बात करें कि यदि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो एंड डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये दोनों साथ में कंडीशन एग्जिस्ट करती है, उस केस में मान लीजिए आपके पास में ये भी कंडीशन एग्जिस्ट करे और ये भी कंडीशन एग्जिस्ट करे, तो उस केस में आपके पास में जो एफ ऑफ जेड है वो आपके पास में हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा, पंचवादी फलन कहलाता है। अब देखिए ये था हार्मोनिक फंक्शन, अब अपन बात करेंगे कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है। तो इसके लिए अपन थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं पहले। अब अपन बात करेंगे सेकंड नंबर कॉन्जुगेट हार्मोनिक। जिसको अपन बोलते हैं संयुग्मी पंचवादी फलन। अब देखिए ये क्या होता है, यदि आपके पास में माना v या फिर अपन u कह लें, माना u ऑफ x कॉमा y एक पंचवादी फलन हो या हार्मोनिक फंक्शन हो, फलन हो, तो v ऑफ x कॉमा y अर्थात इमेजिनरी पार्ट, ये आपके पास में ध्यान रखना मैंने u लिखा है, तो v ऑफ x कॉमा y है वो आपके पास में u ऑफ x कॉमा y का पंचवादी संयुग्मी कहलाता है। कहलाता है यदि दो कंडीशन सेटिस्फाई हो। कौन कौन सी? फर्स्ट कंडीशन है कि v ऑफ x कॉमा y भी हार्मोनिक फंक्शन हो अर्थात पंचवादी फलन हो, ठीक बात। और सेकंड कंडीशन है कि कोशी-रीमान समीकरण अर्थात आपके पास में कोशी-रीमान समीकरण संतुष्ट हो, और कोशी-रीमान समीकरण क्या होता है, दैट इज अपन देख चुके हैं कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है वो आपके पास में डेल वी अपॉन डेल वाई होना चाहिए और डेल यू अपॉन जो डेल वाई होता है वो माइनस टाइम डेल वी अपॉन डेल एक्स होना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होता है, अपन एक फंक्शन पढ़ते हैं एफ ऑफ जेड U प्लस आयोटा V, ठीक बात। इस फंक्शन के अंतर्गत यदि जो U है अर्थात वास्तविक भाग फलन, यदि ये हार्मोनिक फंक्शन है तो उस कंडीशन के अंतर्गत ये V भी हार्मोनिक फंक्शन कहलाएगा या हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाएगा जब V हार्मोनिक होना जरूरी है, और दूसरी बात U तथा V है वो कोशी-रीमान समीकरण को सेटिस्फाई कर जाए। अब देखिए इसको दूसरे शब्दों में अपन क्या ले सकते हैं कि यदि f ऑफ z इक्वल टू u ऑफ x कॉमा y प्लस आयोटा v ऑफ x कॉमा y, ठीक है, यदि आपके पास में ये फलन है वो विश्लेषिक फलन हो, यदि f ऑफ z इक्वल टू u प्लस आयोटा v एक आपके पास में अपन कह देते हैं विश्लेषिक फलन हो, तो आपके पास में अपन कह सकते हैं v है वो u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है। अब देखिए ऐसा कैसे होता है, क्योंकि यदि कोई फंक्शन विश्लेषिक है तो अपन ये कह सकते हैं कि कोई
कोई भी फंक्शन विश्लेषिक होने पर वो हार्मोनिक होगा, वो अभी मैं प्रूफ करवाऊंगा आपको। और यदि ये फलन हार्मोनिक है, ये फलन हार्मोनिक होने का मतलब क्या है, अभी मैंने डेफिनेशन में बताया था हार्मोनिक में कि ये फलन हार्मोनिक उसी केस में होगा जब यूपी हार्मोनिक हो और वीपी हार्मोनिक हो। अर्थात अपनी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि वी हार्मोनिक है और अपने यू पहले ही अपन हार्मोनिक मान के चले थे, तो फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड आपके पास में कि जब कोई फंक्शन एनालिटिक होता है तो अपन ने कहा था कि उसकी नेसेसरी कंडीशन है कि वो उस रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो ये दोनों कंडीशन इसके अंतर्गत आ गई, क्योंकि विश्लेषिक फलन होने पर कोई भी फलन हमेशा हार्मोनिक होगा और वो हमेशा कोशी रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करेगा। तो कोई भी फलन यदि विश्लेषिक है और उसको अपन इस फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये जो v है वो इस u का हार्मोनिक कॉन्जुगेट कहलाता है। अब देखिए, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि कोई भी फंक्शन विश्लेषिक होने पर हार्मोनिक कैसे होता है, उसका अपन प्रूफ देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अपन यहां बात करते हैं, आपके पास में एक अपन थ्योरम मान के चलते हैं, यदि किसी प्रांत में f ऑफ z इक्वल टू u ऑफ x कॉमा y प्लस आयोटा v ऑफ x कॉमा y एक विश्लेषिक फलन हो तो उसी प्रांत में, अर्थात अपन जिस प्रांत की बात कर रहे थे विश्लेषिक में, उसी प्रांत में f ऑफ z हार्मोनिक होगा अर्थात पंचवादी होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक बात। अब देखिए, इसका अपन प्रूफ देखते हैं। अभी मैंने सेकंड डेफिनेशन में यही लिखा था कि यदि कोई फलन एनालिटिक है तो उस केस में आपके पास में वी यू का क्या कहलाता है, कॉन्जुगेट। और कॉन्जुगेट के लिए कंडीशन क्या है कि यू और वी दोनों हार्मोनिक होने जरूरी है और कोशी रीमान समीकरण को सेटिस्फाई करें। अब देखिए, सिंस अपन लिख लेते हैं कि जो एफ ऑफ जेड है वो आपके पास में यू प्लस आयोटा वी एक एनालिटिक फंक्शन है अर्थात विश्लेषिक फलन है, विश्लेषिक फलन है। अतः सेक्टर डी के या किसी भी रीजन के प्रत्येक बिंदु पर कोशी रीमान इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। अतः कोशी रीमान समीकरण को प्रत्येक बिंदु पर संतुष्ट करेगा। ठीक बात। ये अपन पहले प्रूफ कर चुके हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब यह है कि जो डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा वो आपके पास में डेल वी अपॉन डेल वाई होगा, एंड जो डेल यू अपॉन डेल वाई होगा वो माइनस टाइम डेल वी अपॉन डेल एक्स होगा। ठीक बात। इसको मैं समीकरण एक देता हूं, इसको समीकरण देता हूं दो। अब मैं क्या करता हूं, मुझे हार्मोनिक प्रूफ करना है, अर्थात डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। मुझे ये लाना है कि डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो, या फिर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर जीरो, या फिर अपन नहीं कह सकते, इनके साथ में दोनों कंडीशन प्रूफ होना जरूरी है, तभी फंक्शन क्या होगा, हार्मोनिक। अब देखिए, मुझे कर्ली स्क्वायर अपॉन कर्ली एक्स स्क्वायर चाहिए, तो इसका मैं क्या करता हूं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए, समीकरण ए का एक्स के सापेक्ष
आंशिक अवकलन करने पर ठीक बात। तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास में, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, वो वैल्यू आएगी आपके पास में डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक बात। अब देखिए इसी प्रकार मैं क्या कह देता हूं, इसको समीकरण देता हूं तीन, और यहां पर लिख लेता हूं कि समीकरण दो का मुझे y सही, इसका मैं क्या करूंगा y के रेस्पेक्ट में, y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, पार्शियल डेरिवेटिव करने पर, ठीक है। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल टू यू अपॉन डेल y स्क्वायर बराबर माइनस का डेल टू v अपॉन डेल y डेल x, इसको मैं समीकरण देता हूं चार। अब देखिए अपन ने पार्शियल डिफरेंशिएशन के अंतर्गत अध्ययन किया था, यदि आपके पास में कोई फंक्शन है और वो आपके पास में कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अपन जानते थे कि जो डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई है वो आपके पास में डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स के क्या होता है, बराबर होता है। इस कंडीशन को मैं यहाँ यूज करता हूं तो आपके पास में देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थोड़ा सा इसको अपन चेंज कर लेते हैं कि जो डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर है उसकी जगह मैं लिख सकता हूं डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ठीक बात। इसको मैं दे देता हूं समीकरण चार, ये मैंने कैसे लिखा है, इस समीकरण का यूज करते हुए। अब मैं समीकरण तीन और चार को जोड़ देता हूं, तो देखिए समीकरण थ्री प्लस समीकरण फोर, ठीक बात। तो यहां पर आपके पास भी क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, यह आ गया आपके पास में जीरो, अर्थात एक कंडीशन आपके पास में क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। अब आपको क्या काम करना है वो सुनो, इस समीकरण का मैंने एक्स के साथ में किया था, अब आपको ये कंडीशन लानी है मुझे डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको तो मैं एक्स के साथ में करूंगा तब डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर आएगा, और इसका मैं y के साथ में करूंगा अवकलन पार्शियल तो ये डेल टू बी अपॉन डेल वाई स्क्वायर आएगा। फिर दोनों समीकरण को आप क्या करोगे, एड या सब्सट्रैक्ट करोगे, लेकिन ध्यान रखना ये पॉजिटिव का है ये नेगेटिव का है, तो इसमें से मैं क्या करूंगा इसको घटा दूंगा, तो घटाऊंगा तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो उस केस में आपके पास में ये क्वांटिटी है वो जीरो के बराबर आ जाएगी, अर्थात ये दोनों कंडीशन आपके पास में सेटिस्फाई हो जाएगी, तो उस केस में ये जो फलन है एफ ऑफ जे ये एनालिटिक होने पर हार्मोनिक भी होगा, ठीक बात। तो अपन ने ये दिखा दिया कि कोई भी फंक्शन एनालिटिक होने पर हार्मोनिक भी होता है। अब देखिए इनका यूज क्या है, काफी क्वेश्चन में ऐसा लिखा आएगा कि यदि किसी प्रांत में फलन विश्लेषिक है तो दर्शाइए कि आपके पास में वो क्या ये कॉन्जुगेट हार्मोनिक इसका प्राप्त हो सकता है या नहीं। अब देखिए कॉन्जुगेट हार्मोनिक प्राप्त होने पर अपन को पता है कि वो फंक्शन हार्मोनिक होना जरूरी है, तो यदि वो फंक्शन एनालिटिक है तो हार्मोनिक फंक्शन हमेशा के लिए होगा, उसको अपन को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि ये कंसेप्ट अपने दिमाग में नहीं रहेगा तो अपन को पहले एनालिटिक को हार्मोनिक में प्रूफ करना पड़ेगा, फिर अपन उसका क्या निकालेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अब देखिए हार्मोनिक और हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन के ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को लेके अपन नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।